हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो इस वीडियो में फ्रेंड जो हम जो फुल पैंट का जो पॉकेट दिखा रहा था आप लोगों को, तो मैं दूसरा और एक टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो आप लोग इस तरीका से भी आप लोग कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले इसी तरह मैंने पहले पार्ट में दिखाया जो इसे बकरम लगा कर किस तरह है, और मैंने इसमें सभी कुछ रेडी करके उसके बाद दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो पॉकेट होता है फ्रेंड, ये देखिए, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, यानी कि मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड करके रखा है। और ये ऐसे मेजरमेंट हम लोग इसमें लेते हैं ताकि ये वाला जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा, और ये देखिए इस पार्ट में पहले से मैंने इंटरलॉक करके रखा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है फ्रेंड, देखा आपने। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ ऐसे करके, ऐसे ठीक है फिर। मैं छोटा कपड़ा से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इसके लिए ये देखिए, ये बहुत बड़ा पॉकेट हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा छोटा कर देना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है इसे, ऐसे इतना सा मैंने कर दिया है। आप चाहे आप और भी छोटा थोड़ा सा कर सकते हो, मगर मैं तो आप लोगों को सिंपल सा दिखा रहा हूँ, और इसमें कोई पॉकेट का जो शेप वगैरह ये करके नहीं दिखा रहा हूँ। मैं दूसरा एक टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि पिछले जो वीडियो मैंने दिखा उसमें कटिंग करके दिखा दिया है। और ये है हमारा जो बैक वाला और एक पार्ट है ये, और ये हमारा जो इस जगह में रहेगा फ्रेंड, वो पुट्टी है इसे ऐसे, ठीक है, इस जगह में रहेगा ये वाला पट्टी। और तो फ्रेंड ये देखिए, और एक चीज आप लोगों को करनी है, और ये देखिए ये वाला जो थिकनेस है, और इसके बाद जब हम ये कट करेंगे तो उस वक्त एक मेजरमेंट होता है, वो ठीक करने के लिए आप लोगों को जो पॉकेट का जो कपड़ा लेते हैं उसको हम क्या करते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा इस जगह में एक सेंटर कर देते हैं, इस जगह में ऐसे कर एक गुटका लगा देते हैं इस जगह में, ठीक है फ्रेंड, ऐसे, ताकि ये मिडिल में इसी तरह रहे ये। और देखिए, इस जगह मैंने कोई पॉकेट का हिस्सा नहीं कटा है ऐसे करके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बाद में कट करना है ऐसे करके। और ये वाला जो हिस्सा है वो डायरेक्टली आप लोगों को लेनी है ऐसे करके, इसे ऐसे लेनी है। और ये देखिए मैंने अब घुमा रहा हूँ, और उसके बाद ऐसे करके ये इसी तरह करनी है। ये तरीका से भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने पहले आप लोगों को बताया फ्रेंड, इसका कोई पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं है, यह से आप 2 इंच आप छोड़ दीजिए, और यह से आप जितना चाहे आप पॉकेट अपने हिसाब से आप ले सकते हो आप लोग। नॉर्मली ये 7.5 इंच ऐसा भी आप लोग ले सकते हो, मगर हमारा जो फॉर्मूला मैंने चैनल में दिया है उसमें सभी कुछ बता दिया है। ठीक है फिर, उसके बाद आप लोग इसी तरह कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने ये टेक्निक नहीं दिखा, तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद ऐसे करिए, और करने के बाद ये देखिए, ये अंदर की तरफ ले लीजिए, ये देखिए ये पॉकेट का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आ गया है, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए अपना मार्जिन के हिसाब से इसे मोड़ दीजिए इसे इसी तरह, और ये नीचे की तरफ जाना चाहिए फिर, ऊपर की तरफ आने से नहीं होगा। तो फिर और भी पॉकेट का वेरिएशन होता है, आप बहुत अलग अलग तरीका से आप लोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, सेम तरीका जैसे उस जगह में किया था, ये टेक्निक आप इसी हिसाब से करें ये अच्छा होगा। और दूसरी एक टेक्निक मैंने हमारे चैनल में दिखाया, अब जो सिर्फ पॉकेट दिखाया हमारा चैनल में ऑलरेडी है ये वो, ठीक
ठीक है फ्रेंड, ये देखिए और ये देखिए, मैंने इसको मिडिल कर रखा है। अगर ये ना करेंगे तो पॉकेट कितना मोड़ेंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद ये ऊपर के साथ हम इसे एकदम सीधा कर देना है ऐसे, और सेंटर हमारा इधर है, ये देखिए सेंटर किया हुआ है इसका ऐसे, इसका मतलब है हमारा पॉकेट इस तरह, और ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा। और हम लोगों को क्या करना है उसके बाद, ये देखिए इस जगह में एक ड्रॉ किया है पेंसिल में, आप लोगों को दिखा है फ्रेंड, उस जगह में पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है इस जगह में। और हम क्या करेंगे इसको ऐसे, इसे हम लगा देंगे इस जगह में ऐसे करके, इस जगह में सिलाई देंगे। और फ्रेंड ये देखिए हमारा पेंसिल में ड्रॉ किया हुआ है, ताकि जो बॉडी का जो पार्ट था पहले वो हम सही कर पाए, यानी कि हमारा ये जो पॉकेट का हिस्सा है वो और इस तरफ जितना रिमेनिंग बचा है दोनों मिलाकर जो पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट हुआ करते थे उसी तरह मेजरमेंट लेने के लिए पेंसिल से इसी तरह ड्रॉ किया था। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए सेटअप करने के बाद इस जगह को जोड़ देना है इसी तरह ऐसे, ठीक है। और उससे पहले हमने आप लोगों को बोला फ्रेंड, नीचे मैंने पहले से इसे स्टिच कर लिया है, आप लोगों को पहले इसे स्टिच करना है। और फ्रेंड ऊंचा के साथ साथ नीचे, उसके बाद जब हम इसी तरह गैपिंग इसे छोड़कर हम इसे इस तरीका से इस जगह में करेंगे, क्योंकि जब हम बैक पार्ट से जब हम इसे जुड़ेंगे तो मेजरमेंट एकदम सही रहेगा। चलिए इस तरह कर दिया है मैंने, ठीक है फ्रेंड, ये देखा ये मैंने जोड़ दिया है। और उसके बाद सिंपल सा आप लोगों को जो कुछ करना है इसे पक्का करना होता है इस जगह में ऐसे करके, इसे इस जगह को पक्का करना होता है ऐसे करके। और हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, ये वाला जो हिस्सा है फ्रेंड जो फ्रंट की ओर से, हम इस जगह में थोड़ा सा कट कर देंगे, ये देखिए इस जगह में थोड़ा सा इसी तरह ऐसे करके इसे घुमा दिया है। तो चलिए इसे बाद में दिखा रहा हूँ, पहले इसे पाका कर लो इसे। और फ्रेंड ये देखिए जब हम फ्रंट पार्ट के साथ इसे जुड़ेंगे, थोड़ा सा इसमें टेक्निक मेंटेन्स करनी है आपको, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए इस जगह में वो टेक्निक करनी है, ये देखिए हम उस पार्ट को नीचे से जो हमारा जो लालिन का हिस्सा है वो थोड़ा सा हम इसे ऐसे ऐसे कट कर लेंगे, और कट करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ इसी तरह चले जाएगा, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ यहाँ से जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये ऐसा हम इस जगह में कर दिया है पहले, और उसके बाद हम इसे इसी के साथ जुड़ेंगे। और ये आप में भी कर सकते हो, और एक तरीका है ये देखिए, ये जो तरीका मैंने दिखा है इसे ऐसे करिए, पहले इसे जुड़ दीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसे सभी खुला रहे इसी तरह, किसी पार्ट पे मत जुड़े, इसी तरह सिंपल सा ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए ये जो ये फोल्ड होके चले जाएगा, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये तो फ्रंट का हिस्सा है, और ये देखिए अंदर का ये जो पॉकेट का हिस्सा है वो इसके साथ इसी तरह जाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए उसके बाद इसके साथ जोड़ दीजिए, इस जगह में थोड़ा सा खुला रहा है इस जगह में ऐसे, ताकि पहले इसे स्टिच कर दे
दोनों पॉकेट को नीचे को मिला दीजिए। और ये देखिए पैंट का जो इस तरफ का जो हिस्सा है, ये देखिए दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस जगह से ही। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है फ्रेंड, इस पार्ट के साथ इसे, और पहले से ही हमने इंटरलॉक करके रखा है, ये देखिए इसे हम इसके साथ इसी तरह ऐसे कर देंगे। ये देखिए इसके साथ इसी तरह पक्का कर देंगे। वो टेक्निक सेम ही है लगभग, सिर्फ नीचे का जो हिस्सा मैंने देखा वो ही सिर्फ थोड़ा सा अलग है और बाकी सभी टेक्निक एक ही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए इस जगह का जो फिनिशिंग है फ्रेंड, तो देखिए इसी तरह ही ये पट नीचे के हिस्से डिवाइड हो जाएगा और जब हम प्रेस करेंगे पूरे जैसे पूरा बैठ जाएगा। और ऊपर से किस तरीके से हमें करनी है, ये देखिए एक लॉक देनी है इसी तरह, और ये वाला हिस्सा यानी कि बैक की तरफ रहेगा, और उसके बाद हमें इस तरह तो फ्रेंड ये जिस तरह हम ये पार्ट का यानी कि वक्रम से लगा हुआ पार्ट इससे थोड़ा सा बड़ा होता है उतना ही ये हमें देना है स्टिच ऊपर में लॉक। और उसके बाद इस जगह में जिस जगह से हम लोगों का ऐसे ऊपर टाक देनी है और ऊपर में से और एक जगह में टाक देनी है ऐसे ऐसे करके इस जगह में, बस हो गया है। उसके बाद फिर ऊपर में से छोटा मोटा इस तरह आपको शॉटिंग करनी है स्टाइल में, और उस जो पिछले जो स्टाइल देखा उसमें पहले से ही मेजरमेंट करके लिया हुआ है। और ये देखिए आपका पेंट कितना अच्छा इस जगह का फिनिशिंग आ गया है, और ये देखिए इस जगह में से ये देखिए पॉकेट का हिस्सा देखिए कितना फिनिशिंग आ गया है, ये देखिए इस जगह में ये देखिए इस तरह बनता है एक के ऊपर से और ये एक पट नीचे की तरफ चला जाता है, और इधर से एक अगर प्रेस कर देंगे यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने ये छोटा छोटा पार्ट बना के आप लोगों को फ्रेंड दिखा रहा हो ताकि आप लोग बहुत आसानी से ये सीख पाएंगे, और उसके बाद जब इसे प्रेस करेंगे इसी तरह ये बैठ जाएगा एकदम सीधे की तरह, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, और ये प्रेस करने से बैठ जाएगा, और ये देखिए पॉकेट कितना अच्छा ये बन गया है, और नीचे के हिस्सा देखिए सभी पाका है, ये देखिए इस जगह में इंटरलॉक किया हुआ है, इस जगह में है, इस जगह में है, अंदर सभी कुछ पका है, और ये बाहर की तरफ ना आए आए फ्रेंड, इससे और भी कुछ किया जा सकता है क्योंकि इस जगह में एक कपड़ा में एक हम लोग ये देखिए इसी तरह यहाँ से उठकर यहाँ तक एक कपड़ा हम देते हैं ताकि पॉकेट ऊपर ना उठे, थोड़ा सा मैं लोगों का आइडिया दे दूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक कपड़ा को बिठा देते हैं ताकि ये पॉकेट ऊपर ना उठे, इसके साथ जब हम फ्लाई पुट्टी करें उस वक्त वो हम कर देते हैं, तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता फ्रेंड, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।